हेलो गाइस, वेलकम। आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में हम प्रूफ करना सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसका स्टेटमेंट है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या होता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर टू साइड्स। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ, सपोज कि बी राइट एंगल है, देन ये जो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो इसका मतलब ये है कि द हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू अदर दो साइड जो हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब हमको ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना बहुत सिंपल होता है, बहुत सरल है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल ये करना है कि यहाँ पर हमें एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके जो वर्टेक्स है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है हाइपोटेन्यूस पे, जो कि डी हो गया। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। देन अब हम क्या करते हैं देखिएगा, तो यहाँ पर हम प्रूफ में आते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको प्रूफ करना बहुत आसान हो जाएगा। हमें क्या करना, आपके माइंड में एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एक बार एक बड़ा ट्राइंगल लेना है, उसके साथ एक छोटा ट्राइंगल लेना है, फिर एक बार छोटा ट्राइंगल लेना और एक बड़ा ट्राइंगल लेना। मतलब बड़ा ट्राइंगल कौन सा, अपना ए बी सी है, और छोटा ट्राइंगल कौन है, ए बी डी और आपका एक है बी सी डी। तो ये दोनों ट्राइंगल अपने हिसाब से करेंगे। हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी ले लेंगे एंड ट्राइंगल ए डी बी ले लेंगे। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। तो आप देख सकते हैं दोनों में एंगल ए, एंगल ए क्या है, कॉमन है। देखिएगा ए बी सी और ए बी डी दोनों में एंगल ए कॉमन है और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं बाय एंगल एंगल से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी हो जाना है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी। और अगर मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल सिमिलर होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल प्रोपोर्शनल में होती हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, वैसे तो आप इतना दिमाग नहीं लगाना, वो ट्रिक वाइज काम करो। आपको लाना है क्या है, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर लाना है। तो आप ध्यान से देखेंगे इस ट्राइंगल में ए बी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, ए बी, ठीक है। और यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है बेस है तो ए डी आएगा, ए बी और यहाँ पे ए डी। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, आपको लाना क्या ए बी स्क्वायर लाना है, क्या लाना है, तो आपका यहाँ पर क्या, आपको ए बी स्क्वायर लाना, तो आपने ए बी लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पर आएगा आपका ए सी, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। अब इसी तरीके से मैंने क्या बोला, एक बार बड़ा एंगल और एक बार छोटा, तो फिर से ट्राइंगल आपका कौन सा आएगा, ए बी सी आएगा और दूसरा ट्राइंगल आएगा आपका इन ट्राइंगल बी डी सी। तो वही यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर एंगल सी दोनों में कॉमन है, और वही आपका फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एंगल आपका बी और यहाँ पर एंगल डी आपके 90। तो अब वही एक बात हो गई, आप यहाँ पर बोल रहे हो सर इसको आप ए डी बी, या बिल्कुल वही लिखना चाहिए, लेकिन आप बी और डी भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी बाय ए ए, एंगल एंगल से। तो यहाँ पर भी आपको वही सिंपल सीधी सी बात दिमाग में रखना, लाना क्या है बी सी लाना है, दैट मीन्स यहाँ पर आप बी सी लेंगे, इसका इसका बी डी, तो इसका क्या जाएगा आपका डी सी या सी डी, एक ही बात है, पर आप वन में यहाँ बी सी लिख देंगे तो ऑब्वियस ही बात है इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आपका आएगा ए सी। तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी, इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। अब क्या है थ्योरम, क्या है दोनों को ऐड करना है, क्या करना है दोनों को ऐड करना है, तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो क्या हो जाना ये, वाई फर्स्ट प्लस सेकेंड करूँगा मैं, तो आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ए डी इंटू ए सी, और प्लस क्या हो जाएगा ए सी इंटू डी सी, दोनों में से ए सी कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा ए डी प्लस डी सी, तो आपको जाएगा ए सी, देखो ए डी प्लस डी सी क्या बन गया ए सी, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका ये क्या हो गया,
प्रूफ हो गया। तो ये हम ट्रिक वाइज सॉल्व करेंगे, वैसे तो ट्रिक कोई नहीं है, बस मैंने आपको कुछ कंसेप्ट ज़्यादा बताया नहीं है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और इसी तरीके से 10th क्लास के जितने भी मैथ्स के सॉल्यूशन के लिए आपको एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन है, इसमें आप पूरी वीडियो को चेकआउट करें, देखें और टॉपर बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।